ज़िवामे एक ऑनलाइन कंपनी है जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन बेचती है। इस कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया था। इस कंपनी के सिस्टम को हैक कर हैकर्स ने 15 लाख महिलाओं का डाटा चोरी कर लिया था, जिस डेटा को बाजार में बेचने के लिए ऑनलाइन करने की भी बात सामने आ रही थी। ऑनलाइन डाटा ब्रीच क्या है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं आखिर यह पूरा मामला है क्या। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी ज़िवामे की वेबसाइट से लाखों महिलाएं अंडरगारमेंट्स की खरीदारी करती हैं। अंडरगारमेंट्स खरीदारी के लिए महिला ग्राहकों को अपनी निजी जानकारी जैसे उनका नाम, घर का पता, फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और लेडीज़ के अंडरगारमेंट की साइज़ जैसी सभी जानकारी वेबसाइट्स को अंडरगारमेंट की खरीदी के लिए देनी पड़ती है। ऐसे में महिलाओं की सारी निजी जानकारियाँ कंपनी के पास स्टोर हो जाती हैं। खबर आई कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन बेचने वाली इस कंपनी में स्टोर्ड 15 लाख महिलाओं की निजी जानकारी हैकर्स ने हैक कर ली है। जानकारी हो कि कंपनी के वेबसाइट पर करीब 92 लाख महिलाओं की निजी जानकारी स्टोर्ड थी, जिसमें से 15 लाख महिलाओं की निजी जानकारी फिलहाल लीक होने की खबर सामने आ रही थी। डाटा चोरी होने के बाद हैकर्स ने महिलाओं की अंडरगारमेंट्स बेचने वाली ज़िवामे कंपनी को बीते 24 अप्रैल को मेल कर 15 लाख महिलाओं की निजी जानकारी हैक करने की जानकारी दी थी। हैकर्स ने कंपनी को मेल कर बताया था कि 15 लाख महिलाओं का डाटा चोरी कर लिया गया है। 25 मई को हैकर ने एक बार फिर कंपनी को ईमेल भेजा और उसके सिस्टम में कमजोरी बताते हुए पैसे की मांग की। आपको बता दें कि पैसे की मांग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी में कर रहे थे। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कंपनी ज़िवामे से जवाब भी तलब किया था, जिसको लेकर 29 मई के दोपहर 12 बजे उन्हें आयोग के सामने हाजिर होना था। आयोग का कहना था कि ज़िवामे के डेटा लीक होने के कारण महिलाओं को दिक्कत हो सकती है, जिसके बाद कंपनी ने साइबर डाकू नाम के ट्विटर हैंडल को $1500 के भुगतान किए, जिसमें से $1000 संजय सोनी को दिए गए। आपको बता दें कि संजय सोनी साइबर हंट्स नाम के ट्विटर हैंडल से ऑपरेट करता है। लेकिन यह मामला पैसों के भुगतान के बाद भी नहीं थमा। हैकर कंपनी से और पैसे की मांग करने लगे, जिसके बाद कंपनी ने इसकी शिकायत SOG से की। SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। इस संबंध में महिलाओं के अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी के पदाधिकारी ने SOG में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कंपनी की तरफ से बताया गया कि महिलाओं के अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी के पास 92 लाख महिलाओं के निजी डाटा उपलब्ध हैं, जिससे हैकर द्वारा लीक किए जाने की संभावना है। हैकर्स ने बनाया था टेलीग्राम ग्रुप। आपको बता दें कि हैकर्स ने वी लीक डेटाबेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया था, जिसमें कम से कम 250 हैकर्स शामिल थे। इस ग्रुप में हैकर्स चोरी किया हुआ डेटा डालते थे, इसके बाद सारे हैकर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से डेटा का इस्तेमाल कर सकते थे। SOG राजस्थान को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में SOG ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। ADG SOG ATS अशोक राठौड़ की मॉनिटरिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजय सोनी है। आपको बता दें संजय सोनी वही इंसान है जिसे साइबर डाकू नाम के ट्विटर हैंडल का जो हैकर है उन्होंने $1000 का ट्रांसफर किया था। संजय उदयपुर का रहने वाला है। संजय सोनी के खिलाफ लखनऊ, मुंबई, उदयपुर और बेंगलुरु में भी मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी वह गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर 16 मई को एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा इस्लामिक देशों को भेजा जा रहा है। इसको लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि हैकर्स द्वारा चुराए गए 15 लाख महिलाओं की निजी जानकारी में सभी जाति धर्म से जुड़े महिलाओं का डेटा मौजूद है। बहरहाल अब इस मामले में SOG गिरफ्तार आरोपी संजय सोनी की इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस की भी छानबीन कर रही है। जाहिर है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस की छानबीन के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। हमारा नाम है ऋषभ और आप देख रहे थे द4thpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।